हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्लेन वेव सॉल्यूशंस फॉर डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल के लिए प्लेन वेव सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो आज के टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल के एक्सप्रेशन से। तो आप इसमें लिखेंगे द डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इज गिवन बाय। फ्री पार्टिकल के लिए जो डिराक इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच ऑपरेटिंग ऑन वेव फंक्शन साई विल गिव यू ई साई, जहाँ पर एच जो है वो डिराक हैमिल्टोनियन है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास सी अल्फा वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। तो अगर आप एच की ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिलेगा सी अल्फा वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। सो दिस इज द डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल, जिसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन स्टेप वाइज हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के टॉपिक के लिए आपको डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल का एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पर अल्फा वेक्टर को अगर हम कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, हमें पता है हमने उस वीडियो में देखा था डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल को जो हमने ड्राइव किया था, तो हमने देखा था कि जो अल्फा वेक्टर था उसके तीन कॉम्पोनेंट थे अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा। तो अल्फा वेक्टर को हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एक्स आई कैप प्लस अल्फा वाई जे कैप प्लस अल्फा जेड के कैप। और यहां पर पी वेक्टर को भी हम कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखेंगे पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, बीच में डॉट आएगा, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहां पर। उसके बाद हमारे पास प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई। तो इन दोनों वैक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर अल्फा एक्स इंटू पी एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा वाई इंटू पी वाई आ जाएगा, अल्फा जेड इंटू पी जेड आ जाएगा क्योंकि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, और बाकी के जो डॉट प्रोडक्ट्स होंगे जैसे आई डॉट जे आई डॉट के जे डॉट आई जे डॉट के या फिर के डॉट आई या फिर के डॉट जे वो जीरो होते हैं। तो इन दोनों वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके हमें ये मिल जाएगा प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर सी को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस सी अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई से हम सेकेंड इक्वेशन देंगे। जब हमने डिराक इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल को पूरी डिटेल में डिस्कस किया था, तब हमने देखा था कि जो अल्फा एक्स है, अल्फा वाई है, अल्फा जेड है और ये जो बीटा है, दे आर नॉट नंबर्स, ये मैट्रिसेस होती हैं जिन्हें हम डिराक मैट्रिसेस बोलते हैं, और ये 4x4 मैट्रिसेस की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो अल्फा एक्स को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0। तो ये अल्फा एक्स का जो एक्सप्रेशन है 4x4 मैट्रिक्स की टर्म्स में, वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिमेंबर रखना होगा, याद रखना होगा। इसी तरह से जो अल्फा वाई होगा वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर हमारे पास वन है वहां पर आयटा आ जाएगा, पर आयटा किस हिसाब से आएगा वो आपने देखना है। अल्फा वाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास 0 0 0 माइनस आयटा 0 0 आयटा 0 0 माइनस आयटा आयटा 0 0 0। इसी तरह से जो अल्फा जेड होता है वो भी एक 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0। और यहां पर बीटा जो होता है वो भी हमारे पास एक 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1। और क्योंकि अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड बीटा जो है वो 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, तो यहां पर जो आपका वेव फंक्शन होगा जो कि फ्री पार्टिकल की स्टेट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेगा, उसे भी हम एक कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस साई के चार कंपोनेंट्स होंगे, वो होंगे हमारे पास साई वन साई टू साई थ्री साई फोर। तो साई को आप इस मैट्रिक्स के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस अल्फा एक्स का एक्सप्रेशन, अल्फा वाई का एक्सप्रेशन, अल्फा जेड का एक्सप्रेशन, बीटा का एक्सप्रेशन, साई का एक्सप्रेशन जो हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है वो हम यहाँ पर इनकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स हम थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में यूज करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, और आगे का पार्ट भी प्रोसीड करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा एक्स की वैल्यू को, अल्फा वाई की वैल्यू को, अल्फा जेड के एक्सप्रेशन को, बीटा के एक्सप्रेशन को, साई के एक्सप्रेशन को, जो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है थर्ड इक्वेशन में, उसे हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 into वी गेट, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सी अल्फा एक्स की जगह आप ये पूरी की पूरी 4x4 की जो मैट्रिक्स है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साथ में यहाँ पर पी एक्स है पी एक्स लिख देंगे, प्लस सी यहाँ पर आपका अल्फा वाई है अल्फा वाई की जगह आप ये मैट्रिक्स जो है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साथ में है पी वाई, प्लस सी अल्फा जेड की जगह आप ये पूरी की पूरी 4x4 मैट्रिक्स जो है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साथ में है पी जेड, प्लस उसके बाद हमारे पास बीटा, बीटा की वैल्यू जो है वो आप ये वाली उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साथ में है एम सी स्क्वायर, और यहाँ पर साई है साई की ये वाली वैल्यू कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में जो हमने साई लिखा है इन द फॉर्म ऑफ 4 components वो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर अगेन आप साई की वैल्यू जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, जैसे सी पी एक्स को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, सी पी वाई को इन सबसे करना है, सी पी जेड को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, एम सी स्क्वायर को इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ई को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे ये पार्ट जो है वो रब करना होगा, तो मिलेंगे इसे रब करने के बाद। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सी पी एक्स को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, सी पी वाई को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, सी पी जेड को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, एम सी स्क्वायर को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ई को इन चारों से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं ये क्या मिलेगा। सी पी एक्स को जब हम 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो सी पी एक्स को जितने भी 0 से अंदर उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 मिलेगा, सी पी एक्स को 1 से करेंगे तो सी पी एक्स आ जाएगा, इस 1 से करेंगे सी पी एक्स आ जाएगा, इस 1 से करेंगे सी पी एक्स आ जाएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी पी एक्स आ जाएगा, बाकी सब जगह आपको 0 ही मिलने वाला है क्योंकि सी पी एक्स इंटू 0 जो है वो आपको 0 देगा। प्लस इसी तरह से जब आप सी पी वाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ तो 0 ही आएगा, बट जब आप सी पी वाई को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस आइटा सी पी वाई मिलेगा, इस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा सी पी वाई मिलेगा, इस माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आइटा सी पी वाई मिलेगा, इस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे सी पी वाई को तो मिलेगा आइटा सी पी वाई, बाकी सब जगह 0 मिलेगा। प्लस इसी तरह से सी पी जेड को जहाँ जहाँ 0 है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो इस मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 0 ही आएगा, बट जब आप सी पी जेड को 1 से करेंगे तो सी पी जेड आएगा, सी पी जेड को माइनस 1 से करेंगे माइनस सी पी जेड, इस 1 से करेंगे तो सी पी जेड, इस माइनस 1 से करेंगे तो माइनस सी पी जेड मिलेगा। इसी तरह से एम सी स्क्वायर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो इस मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ आपको 0 ही लिखना है, बट जब आप 1 को एम सी स्क्वायर से करेंगे तो एम सी स्क्वायर मिलेगा, 1 into MC square MC square हो जाएगा, -1 into MC square -MC square हो जाएगा, -1 into MC square -MC square हो जाएगा, ये वाली कॉलम मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज लिखेंगे आप, इज इक्वल टू में ई को इन चारों से मल्टीप्लाई करने के आपको मिलेगा ई साई 1 ई साई 2 ई साई 3 ई साई 4। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स इन सब में प्लस के साइंस हैं, तो हम क्या करेंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, वो ऐड करके हमें क्या मिलेगा, और इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, अब हमें क्या करना है, इन चारों मैट्रिसेस को जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है इन्हें हमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा, जैसे इस 0 को इस 0 को इस 0 को और इस एम सी स्क्वायर को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस एम सी स्क्वायर आपको मिलेगा एम सी स्क्वायर। इसी तरह से इस 0 में इस 0 में इस 0 में अगर हम ये 0 ऐड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 0 प्लस 0 प्लस सी पी जेड प्लस 0 आपको मिलेगा सी पी जेड। इसी तरह से सी पी एक्स में आपको ये टर्म ऐड करनी है, उसमें आपको 0 ऐड करना है, उसमें आपको 0 ऐड करना है, तो आपको मिलेगा सी पी एक्स माइनस आइटा सी पी वाई। इसी तरह से जब आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो आपको 0 मिलेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस एम सी स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको एम सी स्क्वायर भी लिखना है, यहाँ पर एम सी स्क्वायर आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास सी पी एक्स प्लस आइटा सी पी वाई प्लस 0
प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सी पी एक्स प्लस आइटा सी पी वाई, उसके बाद जीरो प्लस जीरो माइनस सी पी जेड जीरो, तो ये माइनस सी पी जेड आएगा। इसी तरह से जब आप थर्ड रो के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा सी पी जेड सी पी एक्स माइनस आइटा सी पी वाई माइनस एम सी स्क्वायर जीरो। इसी तरह से जब आप फोर्थ रो के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा सी पी एक्स प्लस आइटा सी पी वाई, यहाँ पर आएगा माइनस सी पी जेड, यहाँ पर आएगा जीरो, और यहाँ पर आएगा माइनस एम सी स्क्वायर। जो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिख दी हमने, और जो हमारी राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है वो हमने ऐसे ही लिख दी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से सी कॉमन ले सकते हैं, तो सी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से आप सी कॉमन ले सकते हैं, तो सी कॉमन लेने के बाद ये टर्म ऐसी हो जाएगी। यहाँ से सी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से ये टर्म जो है वो ऐसी बन जाएगी। यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पी एक्स प्लस आइटा पी वाई आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद का जो पार्ट होगा वो हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो को पहले इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से किया जाएगा, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, और साथ के साथ इस मैट्रिक्स के साथ इक्वेट भी करते रहेंगे। तो ध्यान से देखिए, एम सी स्क्वायर को साई वन से किया तो एम सी स्क्वायर साई वन आया, जीरो को साई टू से किया तो जीरो आया, प्लस सी पी जेड को साई थ्री से किया तो सी पी जेड साई थ्री आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई साई फोर इज इक्वल टू, में यहाँ पर इसका जो पहला एलिमेंट है वो है ई साई वन। तो अब आप क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो पहले आप लिखेंगे ई साई वन, उसके बाद ये टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस एम सी स्क्वायर साई वन, ये टर्म प्लस की है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस सी पी जेड साई थ्री, ये टर्म प्लस की है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई साई फोर, और इक्वल टू में आ जाएगा जीरो। यहाँ से आप इन दोनों में से साई वन जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो रह जाएगा ई माइनस एम सी स्क्वायर साई वन, ये टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी, इक्वल टू जीरो। इसे हम फोर्थ इक्वेशन देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ, तो आपको मिलेगा जीरो इंटू साई वन जीरो, एम सी स्क्वायर को साई टू से करेंगे तो एम सी स्क्वायर साई टू, प्लस इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई इंटू साई थ्री, माइनस सी पी जेड को साई फोर से करेंगे, ये साई फोर है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, माइनस सी पी जेड को साई फोर से करेंगे तो माइनस सी पी जेड साई फोर आ जाएगा, इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा ई साई टू। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये है आपके पास ई साई टू, ऐसे ही रहेगा, ये टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस एम सी स्क्वायर साई टू, ये टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई साई थ्री, ये टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस सी पी जेड साई फोर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इन दोनों में से साई टू कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा ई माइनस एम सी स्क्वायर साई टू, माइनस ये टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी, इक्वल टू जीरो। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो दो इक्वेशन हमने बना ली हैं, तो दो इक्वेशन हमें और मिलेंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके, वो इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड रो को इस कॉलम के साथ, तो आपको मिलेगा सी पी जेड इंटू साई वन प्लस सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई इंटू साई टू, उसके बाद आपको मिलेगा माइनस एम सी स्क्वायर साई थ्री, उसके बाद जीरो इंटू साई फोर हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू में ई साई थ्री आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को अगेन राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो पहले आप साई वन वाली टर्म लिखेंगे, साई वन वाली टर्म ये है, तो ये टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस सी पी जेड साई वन, फिर आप साई टू वाली टर्म लिखेंगे, साई टू वाली टर्म ये है, ये टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई साई टू, उसके बाद आप ये लिख देंगे ई साई थ्री, जो कि प्लस का ही रहेगा ई साई थ्री, और ये टर्म जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस एम सी स्क्वायर साई थ्री इक्वल टू जीरो। इन दोनों टर्म्स में से आप साई थ्री कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा ये टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी, यहाँ से आपने साई थ्री कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा ई प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम के साथ, तो आपको मिलेगा सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई इंटू साई वन, उसके बाद माइनस सी पी जेड इंटू साई टू, उसके बाद जीरो इंटू साई थ्री मीन्स जीरो, उसके बाद माइनस एम सी स्क्वायर साई फोर इज इक्वल टू में ई साई फोर आ जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को आप उधर लेके जाएंगे, पहले आप साई वन वाली टर्म लिखेंगे, ये टर्म जो है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो आप लिखेंगे माइनस सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई साई वन, उसके बाद ये टर्म लिखेंगे साई टू वाली, ये टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस सी पी जेड साई टू, उसके बाद आप ई साई फोर लिख देंगे, उसके बाद ये टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस एम सी स्क्वायर साई फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप साई फोर कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा ये टर्म ऐसी रहेगी,
रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी, यहाँ से साई फोर कॉमन लेने के बाद अंदर रह जाएगा ई प्लस एम सी स्क्वायर साई फोर इक्वल टू जीरो, ये हमारी सेवन्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करके चार इक्वेशंस ऑप्टेन कर चुके हैं। इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने देखा कि जो हमारी डिराक इक्वेशन थी जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी थी, उसे सॉल्व करते 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 हमें चार लीनियर इक्वेशंस मिली थी इन टर्म्स ऑफ साई वन साई टू साई थ्री साई फोर। तो स्टूडेंट्स ये जो चार इक्वेशंस हमें मिली थी फोर्थ फाइव सिक्स एंड सेवन्थ, यहाँ पर जो पी एक्स पी वाई पी जेड हैं वो क्या होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। पी एक्स को हम ऐसे लिखते हैं माइनस आईटा एच कट करली बाय करली एक्स, पी वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आईटा एच कट करली बाय करली वाई, पी जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आईटा एच कट करली बाय करली जेड। क्योंकि पी एक्स पी वाई पी जेड में हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये चारों इक्वेशन जो हैं वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दस डिराग इक्वेशन वन इज ए सेट ऑफ फोर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस 4, 5, 6, 7। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या है, वो एक्चुअली चार पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है जो कि हमने इनको 4, 5, 6, 7 इक्वेशन में लिखा था। अब इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें साई वन साई टू साई थ्री साई फोर की वैल्यूज मिलेंगी और उन्हें हम बोलेंगे प्लेन वेव सॉल्यूशंस। तो प्लेन वेव सॉल्यूशन जो होंगे इन इक्वेशंस के वो कुछ इस प्रकार से होंगे, द प्लेन वेव सॉल्यूशंस ऑफ 4, 5, 6, 7 विल बी ऑफ द फॉर्म। किसी भी इक्वेशन का जो प्लेन वेव सॉल्यूशन होता है उसे हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं साई वन इज इक्वल टू यू वन ई की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। किसी भी जो इक्वेशन का वेव सॉल्यूशन होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं यू ई की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, इस तरह से लिखा जाता है, जहाँ पर के वेक्टर जो है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है या फिर वेव वेक्टर होता है। तो साई वन क्या हो जाएगा हमारे पास, साई वन हो जाएगा हमारे पास यू वन ई की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। साई टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास यू टू ई की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। साई थ्री हो जाएगा हमारे पास यू थ्री ई की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। यू साई फोर हो जाएगा हमारे पास यू थ्री यू फोर यू फोर ई की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, जहाँ पर यू वन यू टू यू थ्री जो हैं U1, U2, U3, U4 जो हैं वो नंबर्स हैं। इन चारों को मिला के हम दे देते हैं एट्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आने वाले सेक्शंस में हम क्या करेंगे, साई वन साई टू साई थ्री साई फोर की वैल्यू जो है वो इन इक्वेशंस में डालेंगे, जिससे ये इक्वेशंस जो हैं वो अब साई वन साई टू साई थ्री साई फोर के टर्म्स में ना होकर U1, U2, U3, U4 की टर्म्स में मिल जाएंगी हमें। और उन चारों इक्वेशंस जो हमें नया सेट मिलेगा इन चारों इक्वेशंस में साई वन साई टू साई थ्री साई फोर की वैल्यूज पुट करके जो हमें चार इक्वेशंस मिलेंगी U1, U2, U3, U4 के टर्म्स में, उनके सॉल्यूशंस हम आगे फाइंड आउट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो हमने पिछले सेक्शन में एट्थ इक्वेशन में साई वन साई टू साई थ्री साई फोर की वैल्यूज लिखी थी, अब हम उन्हें फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्वेशन में यूज करेंगे, जिससे आपको चार नई इक्वेशंस मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ यू वन यू टू यू थ्री यू फोर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एट्थ इक्वेशन की वैल्यूज को हम यूज करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग एट इन फोर वी गेट, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ई माइनस एम सी स्क्वायर, इस साई वन की जगह आप साई वन की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमने लिखी थी यू वन ई की पावर आईटा के वैक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ओमेगा टी। उसके बाद लिखेंगे माइनस सी पी जेड, यहाँ पर साई थ्री की वैल्यू लिखेंगे जो कि थी हमारे पास यू थ्री e की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। उसके बाद हमारे पास माइनस सी पी एक्स माइनस आईटा पी वाई, उसके बाद साई फोर की वैल्यू लिखेंगे यू फोर ई की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स इन तीनों टर्म्स में से आपका कॉमन आ रहा है e की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, तीनों में कॉमन है तो आप इसे बाहर ले लेंगे e की पावर आईटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। तो अंदर रह जाएगा आपके पास e माइनस एम सी स्क्वायर यू वन माइनस सी पी जेड यू थ्री, और यहां पर रह जाएगा माइनस सी पी एक्स माइनस आईटा पी वाई यू फोर इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि या तो ये जीरो होगा या ये ब्रैकेटेड टर्म जीरो होगी। ये टर्म जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये टर्म जीरो हो गई तो साई वन साई टू साई थ्री साई फोर चारों जीरो हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये टर्म नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेटेड टर्म जीरो होगी। तो आपको मिलेगा ई माइनस एम सी स्क्वायर यू वन माइनस सी पी जेड यू थ्री माइनस सी पी एक्स माइनस आईटा पी वाई यू फोर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ई की पावर आईटा
k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इक्वल टू जीरो हुआ तो साई वन साई टू साई थ्री साई फोर जो है वो जीरो हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब आपने एट्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में यूज़ किया तो क्या हुआ, जहाँ साई वन था वहाँ यू वन आ गया, जहाँ साई थ्री था वहाँ यू थ्री आ गया, जहाँ साई फोर था वहाँ यू फोर आ गया। इसी तरह से जब आप एट्थ इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर यू टू आ जाएगा, यहाँ पर यू थ्री आ जाएगा साई थ्री की जगह, और यू साई फोर की जगह यू फोर आ जाएगा। और इसी तरह से जब आप एट्थ इक्वेशन को सिक्स्थ इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर साई वन की जगह यू वन, साई टू की जगह यू टू, साई थ्री की जगह यू थ्री आ जाएगा। इसी तरह से जब आप एट्थ इक्वेशन को सेवन्थ इक्वेशन में यूज़ करोगे तो साई वन की जगह यू वन आ जाएगा, साई टू की जगह यू टू आ जाएगा, और साई फोर की जगह यू फोर आ जाएगा। तो वहाँ से भी आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगी। ये नाइन्थ इक्वेशन है, वो तीन इक्वेशंस क्या होंगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपने पिछले सेक्शन में देखा था कि जब आप एट्थ इक्वेशन को फोर्थ में यूज़ कर रहे थे तो आपको एक नई इक्वेशन मिल रही थी जिसमें साई वन की जगह यू वन आ रहा था, साई थ्री की जगह यू थ्री आ रहा था, और साई फोर की जगह यू फोर आ रहा था। उसको हमने नाइन्थ इक्वेशन दिया था। इसी तरह से जब आप एट्थ इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा यूजिंग एट इन फाइव वी गेट साई टू की जगह यू टू आ जाएगा, तो आपको मिलेगा ई माइनस एम सी स्क्वायर यू टू माइनस सी पी एक्स प्लस आटा पी वाई साई थ्री की जगह यू थ्री आ जाएगा प्लस सी पी जेड साई फोर की जगह यू फोर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी टेंथ इक्वेशन होगी। इसी तरह से जब आप एट्थ इक्वेशन को सिक्स्थ इक्वेशन में यूज करेंगे तो आपको मिलेगा यूजिंग एट इन सिक्स वी गेट माइनस सी पी जेड साई वन की जगह यू वन आ जाएगा माइनस सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई साई टू की जगह यू टू आ जाएगा प्लस ई प्लस एम सी स्क्वायर साई थ्री की जगह यू थ्री आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इलेवंथ इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर आप इस एट्थ इक्वेशन की वैल्यूज को अगर आप यूज करेंगे सेवंथ इक्वेशन में तो आपको मिलेगा यूजिंग एट इन सेवन वी गेट, यहां पर आपका आएगा माइनस सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई साई वन की जगह यू वन आ जाएगा प्लस सी पी जेड साई टू की जगह यू टू आ जाएगा प्लस ई प्लस एम सी स्क्वायर साई फोर की जगह यू फोर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी ट्वेल्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ यू वन यू टू यू थ्री यू फोर, इन इक्वेशंस नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ। तो इन्हीं चारों इक्वेशंस से ही हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमें चार इक्वेशंस मिली थी इन टर्म्स ऑफ यू वन यू टू यू थ्री यू फोर, जिनको हमने नाम दिया था नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ इक्वेशंस। तो ये जो चार इक्वेशंस हैं ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, और इस प्रकार की इक्वेशंस का जो नॉन जीरो सोल्यूशन होगा वो हमें कम मिलता है जब हमारे जो कॉफिशेंट्स हैं यहाँ पर यू वन का, यू टू का, यू थ्री का, यू फोर का, अगर यू वन यू टू यू थ्री यू फोर के कॉफिशेंट्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आता है तब जाके हमें इन इक्वेशंस का नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, U1, U2, U3, U4 के कॉफिशेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और इसे इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो आप लिखेंगे इक्वेशंस 9, 10, 11, 12 आर होमोजेनियस एंड दीज इक्वेशंस विल हैव नॉन जीरो सोल्यूशंस ओनली व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ कॉफिशेंट्स ऑफ U1, U2, U3, U4 इज जीरो। तो अब आप क्या करेंगे, सभी U1, U2, U3, U4 के कॉफिशेंट्स लेंगे, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में U1 का कॉफिशेंट है e माइनस एम सी स्क्वायर, इस इक्वेशन में यू टू नहीं है तो यू टू का कॉफिशेंट जीरो हो जाएगा, यू थ्री का कॉफिशेंट जो है वो माइनस सी पी जेड है तो यहाँ माइनस सी पी जेड आ गया, यू फोर का कॉफिशेंट है माइनस सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई, यहाँ पर यू वन नहीं है नेक्स्ट इक्वेशन में तो यू वन का कॉफिशेंट जीरो हो जाएगा, यू टू का कॉफिशेंट है ई माइनस एम सी स्क्वायर, यू थ्री का कॉफिशेंट है माइनस सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई, और लास्ट में यू फोर का कॉफिशेंट है सी पी जेड, यहाँ पर यू वन का कॉफिशेंट है माइनस सी पी जेड, यू टू का कॉफिशेंट है माइनस सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई, यू थ्री कॉफिशेंट है e प्लस एम सी स्क्वायर, इस टर्म इस इक्वेशन में u4 नहीं है तो यहां पर जीरो आ जाएगा u4 का कॉफिशेंट, और यहां पर u1 का कॉफिशेंट है माइनस सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई, यहां पर u2 का कॉफिशेंट है सी पी जेड, और यहां पर u3 नहीं है तो u3 का कॉफिशेंट जीरो हो जाएगा, u4 है u4 का कॉफिशेंट है e प्लस एम सी स्क्वायर, इनका डिटर्मिनेंट जो है वो आपने इक्वल टू जीरो रख देना है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट याद रखना है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप होता है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप होता है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर फोर, ये तो आपको याद ही होगा। तो इससे याद करके आप इसका जो डिटर्मिनेंट है वो बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट आएगा ई स्क्वायर, लिखो पहले, उसके बाद इधर इसको इधर ले आओ, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी की पावर फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। और एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए पी वेक्टर था हमारे पास स्टार्टिंग में, हमने लिखा था पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो अगर आप पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यहाँ पर ये है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो ये जो पी स्क्वायर हमने लिखा है वो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, e की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 की पावर 1/2। तो ई जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब हमारा ई पॉजिटिव होगा तो उसे हम डिनोट करेंगे, पहले हम इसे इक्वेशन नंबर देते हैं, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 13 जो ई की वैल्यू आई है। अगर हमारे पास ई की वैल्यू पॉजिटिव है उसे हम डिनोट करेंगे ई प्लस से, वो इक्वल टू होगी हमारे पास प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 की पावर 1/2। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 14। अगर पी की ई की वैल्यू नेगेटिव है तो उसे हम डिनोट करेंगे ई माइनस से, और उस केस में यहाँ पर आप माइनस साइन कंसिडर करेंगे जो कि होगा माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 1/2। और ये होगी हमारे पास 15th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि जब हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया था तो हमें जो एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला था वो मिला था इज इक्वल टू प्लस माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 1/2। इसे हमने 13th इक्वेशन दिया था। तो यहाँ से जो एनर्जी मोमेंटम का हमें रिलेशनशिप मिल रहा है, डिराक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें ये रिलेशनशिप मिला है, ये रिलेशनशिप बिल्कुल श्रोडिंगर पिक्चर से मिले हुए एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप के बिल्कुल उस जैसा ही है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर U1, U2, U3, U4 की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो वो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर इन चार U में से, चार U है हमारे पास, U1 है, U2 है, U3 है, U4 है, इन चार में से किन्हीं भी दो U को हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे अपनी मर्जी से, आर्बिट्रेरी इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करेंगे किन्हीं भी दो U's को, और उन आर्बिट्रेरी वैल्यूज को यूज करके बाकी बचे हुए दो U's की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिखेंगे दिस रिजल्ट इज इन एग्रीमेंट विद द श्रोडिंगर पिक्चर, दैट इज एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप ऑब्टेन फ्रॉम डिराक इक्वेशन इज सेम एज दैट ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर पिक्चर। मीन्स ये जो रिजल्ट हमें मिला है ये सेम रिजल्ट है जो हमें श्रोडिंगर पिक्चर से देखने को मिलता है। श्रोडिंगर पिक्चर से भी हमें एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप यही देखने को मिलता है जो हमें डिराक इक्वेशन को सॉल्व करके मिल रहा है। हेंस वी कैन असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज टू एनी टू यूज। तो हम चार यूज में से U1, U2, U3, U4 में से किन्हीं भी दो यूज को आर्बिट्रेरली न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे और उन वैल्यूज की हेल्प से बाकी बचे हुए दो यूज की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जब हम U1, U2 को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे तो हम एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी लेके कंसिडर करेंगे, और जब हम U3 U4 को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करेंगे, आर्बिट्रेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करेंगे तो हम नेगेटिव एनर्जी लेके चलेंगे। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब हम U1 U2 को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करेंगे तो साइन जो है एनर्जी का पॉजिटिव लेंगे, और हम U3 U4 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और जब हम U3 U4 को आर्बिट्रेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करेंगे तो हम एनर्जी जो है वो नेगेटिव लेके चलेंगे, और वहाँ से हम U1 और U2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम दो केस लेंगे, पहला केस है जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी, E पॉजिटिव जो था हमारे पास वो था हमारे पास प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 1/2। इसे हमने 14th इक्वेशन दिया था। तो सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यूज असाइन करते हैं U1 U2 को, आर्बिट्रेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं। हम मान लेते हैं कि U1 जो है वो 1 है और U2 जो है वो 0 है, इन दोनों में से एक को हमने 1 मान लेना है और एक को 0 मान लेना है। तो इसे हम देंगे 16th इक्वेशन, इन दोनों को मिला के हमारे पास है 16th इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, 16th इक्वेशन को और 14th इक्वेशन को 14 एंड 16 इन 11 में यूज़ करेंगे। तो 11 में क्यों यूज़ किया हमें, क्योंकि हमारे पास ये चार इक्वेशंस हैं, इन चारों इक्वेशंस में आपने देखना है कि U1 U2 जो है वो कौन सी इक्वेशंस में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर U1 है बट U2 नहीं है तो ये इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर U2 है बस बट U1 नहीं है तो इसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर U1 भी है U2 भी है तो इसे हम यूज़ करेंगे, और इसे यूज़ करके हम U3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर भी U1 है यहाँ पर भी U2 है तो इसे इक्वेशन को यूज़ करके हम U4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखेंगे
यूजिंग 14 एंड 16 इन 11 वी गेट, तो ध्यान से देखिए माइनस सी पी जेड लिख दिया, यू वन हमारा कितना है 1 है, तो माइनस सी पी जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी पी जेड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यू टू कितना है, यू टू है 0, तो जब हम यहाँ पर यू टू को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस 0 हो गया। प्लस हमने यहाँ पर ई को पॉजिटिव कंसिडर करना है, ई प्लस लेना है, तो ई की जगह हम लिख देंगे ई प्लस, आगे है हमारे पास प्लस एम सी स्क्वायर यू थ्री इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस सी पी जेड को उधर भेज देते हैं, तो ये मिलेगा हमें ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर यू थ्री इज इक्वल टू सी पी जेड, तो यहाँ से यू थ्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी पी जेड, और ये जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर, तो यू थ्री की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह से हम यू फोर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 14th और 16th इक्वेशन को 12th इक्वेशन में यूज़ करना होगा, और वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने U3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, अब हमें फाइंड आउट करनी है U4 की वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 14th एंड 16th इक्वेशन को यूज़ करेंगे 12th इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 14 एंड 16 इन 12 वी गेट माइनस सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई, यू वन की वैल्यू क्या है, यू वन है 1, तो मल्टीप्लाई में 1 कर दिया, यू टू 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। प्लस ई की जगह आपको लिखना होगा ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर यू फोर इक्वल टू 0, तो अब आप क्या करेंगे, इस माइनस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर यू फोर इज इक्वल टू सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई, माइनस साइन जो है वो प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से यू फोर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सी पी एक्स प्लस आइटा पी वाई, ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर, तो आपको एक सेट ऑफ सोल्यूशन जो है वो मिल चुका है, यू वन 1, यू टू 0, यू थ्री इक्वल टू दिस, यू फोर इक्वल टू 0, यू फोर इक्वल टू दिस, तो ये आपको एक सेट मिल गया है सोल्यूशन का, जिसमें आपके यू वन यू टू यू थ्री यू फोर जो है वो ये होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 17, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 18, और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, केस वन का हमने सब केस बनाया था ए, सब केस बी में दूसरे सब केस में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है वो इंटरचेंज कर देंगे, मींस यू वन को 0 कर देंगे, यू टू को 1 कर देंगे, तो वहाँ से भी आपको यू थ्री यू फोर फाइंड आउट करना होगा, वहाँ से भी आपको एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, केस वन का सेकंड सब केस लेंगे, जिसमें हम यू वन यू टू की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे, अब हम यू वन को 0 लेंगे, यू टू को 1 लेंगे, इसे हम 19th इक्वेशन देंगे, तो यू वन यू टू की वैल्यूज़ हमें पता है, यू थ्री यू फोर हमें फाइंड आउट करना है, और वो हम करेंगे अगेन 11th और 12th इक्वेशन को यूज़ करके, क्योंकि इन्हीं दो इक्वेशन में आपको यू वन यू टू जो है वो देखने को मिलेगा, तो आप लिखेंगे यूजिंग 14 एंड 19 इन 11 वी गेट, तो यहाँ पर यू वन जो है वो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई, यू टू की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस ई की जगह आप लिखेंगे ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर यू थ्री इक्वल टू 0, तो नेगेटिव टर्म को उधर लेके जाएंगे, तो आपको मिलेगा ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर यू थ्री इज इक्वल टू सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई, इस टर्म को नीचे ले जाएंगे तो यू थ्री आ जाएगा आपके पास सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर, ये आपकी 20th इक्वेशन होगी। इसी तरह से अब आप यूज़ करेंगे 14th एंड 19th इक्वेशन को 12th इक्वेशन में इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू फोर, तो आप देखिए यहाँ पर यू वन जो है वो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, 0 प्लस सी पी जेड इन टू यू टू 1 है, प्लस ई की जगह आप यूज करेंगे ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर यू फोर इक्वल टू 0, सी पी जेड को आप उधर लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर यू फोर इक्वल टू माइनस सी पी जेड, इस टर्म को आप नीचे ले आएंगे तो यू फोर आ जाएगा आपके पास माइनस सी पी जेड बाई ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर, ये 21st इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने एक सेट सॉल्यूशंस का और फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें आपके पास यू वन 0 है, यू टू 1 है, यू थ्री ये है, यू फोर ये है, तो केस वन यहाँ पर ख़त्म होता है। केस टू में आप क्या करेंगे, एक तो एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी लेके चलेंगे, और वहाँ पर आप यू थ्री और यू फोर की वैल्यूस असाइन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर यू वन यू टू की वैल्यूस असाइन की थी और दो सब केस बने थे, वहाँ भी दो सब केस बनेंगे, यू थ्री यू फोर की वैल्यूस असाइन करेंगे और यू वन यू टू की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शंस में हमने देखा कि जब हम एनर्जी को पॉजिटिव ले रहे थे और U1, U2 की वैल्यूज असाइन कर रहे थे, तो दो हमें दो सेपरेट सेट ऑफ सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे थे, मींस हमें दो सेट ऑफ U1, U2, U3, U4 देखने को मिल रहा था। अब हम बात करेंगे केस टू की, जिसमें हम एनर्जी जो है वो नेगेटिव लेंगे, E माइनस लेंगे, जो कि इक्वल टू थी हमारे पास माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 बाय 2, ये हमारी 15th इक्वेशन थी। अब हम यहाँ पर U3 और U4 की वैल्यूज असाइन करेंगे और U1, U2 की
वैल्यूज जो हैं वो ऑप्टेन करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको दो सेट मिलने वाले हैं सॉल्यूशंस के U3 U4 की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करके। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, U3 को 1 ले लेंगे, U4 को 0 ले लेंगे, ये 22nd इक्वेशन होगी। तो आप लिखेंगे यूजिंग 15 and 22 in 9 वी गेट। अब आपको इन चारों में से कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है U1 U2 की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, वो इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके U3 और U4 प्रेजेंट हो। यहाँ पर U3 है, U4 है, तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर U3 है, यहाँ पर U4 है, तो ये इक्वेशन भी हम यूज़ करेंगे। बट इस इक्वेशन में U3 है बट U4 नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर U4 है बट U3 नहीं है, तो इस इक्वेशन को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो केस टू में हम पहले दो इक्वेशंस का यूज़ करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 15 and 22 in 9 वी गेट ई की जगह आप लिखेंगे e-mc2 U1 की जगह U1 रहेगा, -CPZ, U3 है आपका 1, U4 आपका 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। -CPZ को उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा e-mc2 U1 इक्वल टू CPZ, तो U1 की वैल्यू आ जाएगी CPZ e-mc2, ये हमारी 23rd इक्वेशन होगी। अब हम यूज़ करेंगे 15 एंड 22 इक्वेशन को 10th इक्वेशन में। तो आपको मिलेगा e की जगह आप लिखेंगे e-mc2 U2 ऐसे रहेगा, -CPX + ηPY, U3 हमारा 1 है, U4 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को उधर ले जाइए नेगेटिव टर्म को, तो आपको मिलेगा e-mc2 U2 इज इक्वल टू CPX + ηPY, तो U2 आ जाएगा हमारे पास दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये होगी हमारी 24th इक्वेशन। तो हमारे पास एक सेट सॉल्यूशन का और मिल गया है जिसमें हमारे पास U1 U2 U3 U4 जो हैं वो 22nd 23rd 24th इक्वेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो केस बी में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे, वहाँ से हमें लास्ट सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ U1 U2 U3 U4, और वो हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं केस टू का सेकंड सब केस जिसमें हम U3 और U4 की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे। अब हम U3 को 0 लेंगे और U4 को 1 लेंगे, ये हमारी 25th इक्वेशन होगी। तो आप यूज़ करेंगे 15th एंड 25th इक्वेशन को 9th इक्वेशन में इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ U1 एंड U2। तो आप लिखेंगे ई की जगह आप लिखेंगे e-mc2 U1 ऐसे ही रहेगा, आपकी बार U3 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, -CPX - ηPY, U4 की जगह 1 लिख दिया, इक्वल टू 0। इस टर्म को आप उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा e-mc2 U1 इक्वल टू CPX - ηPY, तो यहाँ से U1 की वैल्यू आ जाएगी दिस डिवाइड बाय दिस ब्रैकेट, तो ये होगी हमारी 26th इक्वेशन। अब आप यूज़ करेंगे 15th एंड 25th इक्वेशन को 10th इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा e की जगह आप लिखेंगे e-mc2 U2 ऐसे ही रहेगा, U3 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, +CPZ U4 की जगह 1 लिखा, इक्वल टू 0। इस टर्म को आप उधर लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा e-mc2 U2 इक्वल टू -CPZ, तो U2 की वैल्यू आ जाएगी -CPZ / e-mc2, ये 27th इक्वेशन होगी। तो हमें एक सेट और मिल गया है सॉल्यूशंस का इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस नंबर 26 27 25 जिसमें हमारे पास U1 U2 U3 U4 मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने चार डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए इन टर्म्स ऑफ U1 U2 U3 U4। देखिए स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्यूशंस फाइंड करना ही एंड नहीं होता, हमें उन सॉल्यूशंस को नॉर्मलाइज भी करना होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसको हमने पूरी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया था जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो होती है वो होती है हमारे पास ψ ψ = 1, इसी कंडीशन को यूज़ करके हमें इन सॉल्यूशंस को नॉर्मलाइज भी करना होगा। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, हम एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस की हेल्प से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और बाकी तीन सेट ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे ईच ऑफ दिस सॉल्यूशंस कैन बी नॉर्मलाइज्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय कांस्टेंट एंड इन द सेंस ψ ψ = 1। अब हमें इन सॉल्यूशंस को नॉर्मलाइज भी करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको वैल्यूज मिली थी U1 U2 U3 U4 की उसमें से कोई भी एक सेट पकड़िए, चार सेट्स में से, और उन सेट
सेट्स में, एक पर्टिकुलर सेट में जो U1, U2, U3, U4 है उसकी हर एक टर्म को कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दो। बट कंडीशन आपको कौन सी यूज़ करनी है, कंडीशन आपको यूज़ करनी है साई स्टार साई इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम इस नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर साई है, तो साई हमें पता है क्या था, इसके चार कॉम्पोनेंट थे, कॉलम मैट्रिक्स थी ये, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। साई स्टार क्या होगा, साई से साई स्टार ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको इसका ट्रांसपोज करना होगा। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, मीन्स जो कॉलम मैट्रिक्स थी वो एक रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। फिर आपको जो एलिमेंट्स मिले हैं इस रो मैट्रिक्स में उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम स्टार से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर स्टार लगा देंगे आप, तो साई स्टार की वैल्यू ये होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये मल्टीप्लाई ये इक्वल टू 1। तो अब आप क्या करेंगे, साई 1 स्टार को साई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा साई 1 स्टार इंटू साई 1। साई 2 स्टार को साई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा साई 2 स्टार साई 2। इसी तरह से साई 3 स्टार साई 3 आ जाएगा प्लस साई 4 स्टार साई 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपको साई 1 की वैल्यू पता है, साई 2 की वैल्यू पता है, साई 3 की वैल्यू पता है, साई 4 की वैल्यू पता है, ये हमने पीछे यूज़ की थी इन टर्म्स ऑफ U1, U2, U3, U4। साई 1 आपके पास क्या था, साई 1 था U1 e की पावर आयटा के वैक्टर डॉट आर वैक्टर माइनस ओमेगा टी। तो साई 1 स्टार क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, U1 की जगह आप लिखेंगे U1 स्टार और e की पावर माइनस आयटा बन जाएगा e की पावर माइनस आयटा। आयटा का साइन चेंज हो जाता है जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो, माइनस ओमेगा टी। तो ये हो गया आपके पास साई 1 स्टार मल्टीप्लाई साई 1, ये हो गया प्लस। इसी तरह से जो साई 2 स्टार होगा हमारे पास वो हो जाएगा U2 स्टार e की पावर प्लस आयटा की जगह माइनस आयटा आ जाएगा, माइनस आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। साई 2 था हमारे पास U2 e की पावर आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। साई 3 स्टार हो जाएगा हमारे पास U3 स्टार e की पावर प्लस आयटा की जगह माइनस आयटा आ जाएगा, माइनस आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। साई 3 हमारे पास U3 e की पावर आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी प्लस साई 4 स्टार हो जाएगा हमारे पास U4 स्टार e की पावर प्लस आयटा की जगह माइनस आयटा आ जाएगा, माइनस आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। और साई 4 है हमारे पास U4 e की पावर आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर e की पावर है माइनस आयटा इंटू दिस, यहां पर है e की पावर प्लस आयटा इंटू दिस। तो जब आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी प्लस आयटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 0 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई होकर आपको 1 देंगी। तो आपका सिंपली यहाँ पर आ जाएगा, सिंपली आपका यहाँ पर आ जाएगा U1 स्टार इंटू U1। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा U2 स्टार इंटू U2। ये दोनों पावर्स जो हैं इनकी ऐड होकर e की पावर 0 बनेगा, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा प्लस U3 स्टार इंटू U3। इस टर्म में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा होगा U4 स्टार इंटू U4 इक्वल टू 0। ये हमारी 28th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक पर्टिकुलर सेट का सोल्यूशन का यूज़ करेंगे, जिसमें आप एक पर्टिकुलर सेट की जो U1 U2 U3 U4 की वैल्यूज़ थी वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम पहला ही सेट लेंगे, पहले सेट में हमारे पास जो U1 U2 U3 U4 की वैल्यूज थी वो यहाँ पर पुट करेंगे, जिससे हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वैल्यूज पुट करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, हर एक टर्म को इसको 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 उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप जाके आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू आएगी और वो हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम 28th क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। अब हम यहां पर U1, U2, U3, U4 की वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सॉल्यूशंस में से उठाएंगे और यहां पुट करेंगे। हम पहला ही सेट उठा लेते हैं सॉल्यूशन का, जिसमें हमारे पास U1 जो था वो 1 था, U2 0 था, ये हमारी 16th क्वेश्चन थी। और यहां से U3 हमारे पास आया था CPZ E++MC², ये हमारी 17th क्वेश्चन थी। और U4 हमारे पास आया था CPX+ηPy/E++MC², ये हमारी 18th क्वेश्चन थी। तो इन चारों वैल्यूज़ को अब हम यहां पर 28th क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 16 17 18 इन 28 वी गेट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम वैल्यूज पुट करें, एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि हमने हर एक टर्म को n से भी मल्टीप्लाई करना है, इसे भी और इसे भी, इसको भी n से करेंगे, इसको भी n से करेंगे तो n into n n² हो जाएगा, इसको n से करेंगे, इसको n से करेंगे तो n² हो जाएगा, यहां से भी हमें n² मिलेगा, यहां से भी हमें n² मिलेगा। तो वो n² जो है वो हम बाहर ले लेते हैं, तो हम n² को बाहर ले लिया हमने। हर एक टर्म को n से मल्टीप्लाई करना है तो n into n n² होगा, तो n² बाहर ले लिया।
अब वैल्यू पुट करो, तो यू वन है हमारे पास क्या, वन, तो यू वन की जगह आपने वन रख दिया, तो यू वन स्टार क्या होगा, इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर यू वन स्टार जो होगा वो यू वन के बराबर ही होगा, तो यहाँ पर वन ही आ जाएगा। प्लस यू टू हमारे पास जीरो है, तो यू टू जीरो आ गया, तो यू टू स्टार भी जीरो हो जाएगा। प्लस U3 हमारे पास है CPZ by E plus plus MC square, CPZ E plus plus MC square, यहाँ पर भी कोई imaginary term नहीं है, तो इसका complex conjugate इसके बराबर ही होगा, तो U3 star की जगह भी आप U3 ही लिखेंगे, CPZ by E plus plus MC square। प्लस U4 है हमारे पास C PX plus iota PY by E plus plus MC square, तो U4 star क्या हो जाएगा, यहाँ पर iota वाली term है, तो iota वाली term जहाँ होगी उसका साइन चेंज करना होगा, तो यहाँ प्लस iota है, तो U4 star में यहाँ पर माइनस iota आ जाएगा, तो U4 स्टार हमारे पास बन जाएगा सी पी एक्स माइनस आइटा पी वाई, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं, एन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास सी स्क्वायर सी पी जेड मल्टीप्लाई सी पी जेड बन गया सी स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, और नीचे ये दोनों टर्म सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर हम ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर, आइटा पी वाई का स्क्वायर करेंगे तो होगा आइटा स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस वन, तो माइनस वन जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस पी वाई स्क्वायर, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, ये काम आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी आइटा स्क्वायर ही रहने दीजिए, माइनस आइटा स्क्वायर की जगह हमने आइटा स्क्वायर की जगह हमने माइनस वन पुट किया, तो यहाँ पर प्लस का साइन हो गया, वन प्लस सी स्क्वायर पी जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर होगा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम सेम आ जाएगा, ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एन स्क्वायर वन प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रहेगा हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, इज इक्वल टू वन। तो अभी हमने पिछले कुछ सेक्शंस में हमने देखा भी था कि पी स्क्वायर जो था वो किसके बराबर था, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर के बराबर था, तो हम क्या करेंगे, इस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर को पी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर वन प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह हमने पी स्क्वायर रख दिया, नीचे हमारा सेम रहेगा इक्वल टू वन। तो इसको आप क्या करेंगे, इस टर्म को वन के नीचे भेज देंगे, तो आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू, एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म जो है पूरी ब्रैकेट जो है वन के नीचे चली जाएगी, वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पावर में वन बाय टू आ जाएगा। अगर आप इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन जो है पावर का वो नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास वन प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू, इसको आप ले गए ऊपर और साइन जो है वो वन बाय टू का माइनस वन बाय टू हो गया। तो पहले सेट से हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये निकल के आया है, बाकी तीन सेट से हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या निकल के आएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सेकेंड सेट ऑफ सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, 28th इक्वेशन में सेकेंड सेट ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिला था, 19, 20, 21st इक्वेशन में, अगर आप इन वैल्यूज़ को U1, U2, U3, U4 की वैल्यूज जो हमें यहाँ पर मिली थी उनको यूज़ करते हो आप 28th इक्वेशन में, तो भी आपको n की वैल्यू वही मिलेगी जो आपको पिछले केस में मिली थी, जो कि थी 1 प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू। अगर आप थर्ड सेट ऑफ सॉल्यूशन को यूज़ करते हो जिसमें आपको U1, U2, U3, U4 की वैल्यूज़ मिली थी 22nd, 23rd, 24th इक्वेशन में, उसे अगर आप यूज करते हो 28th इक्वेशन में, तो आपको n की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पर e प्लस की जगह e माइनस आ जाएगा क्योंकि इन तीनों इक्वेशन जो हैं वो e माइनस की टर्म्स में थी, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस एम सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन बाय टू। इसी तरह से अगर आप लास्ट सेट ऑफ सॉल्यूशंस यूज़ करते हो जिसमें आपको यू वन यू टू यू थ्री यू फोर की वैल्यूज मिली थी 25, 26, 27th इक्वेशन में, उसे आप 28th इक्वेशन में यूज़ करते हो, तो आपको वही वैल्यू मिलेगी एन की जो यहाँ पर मिल रही थी, एन इज इक्वल टू वन प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय ई माइनस माइनस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन बाय टू। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक प्लेन वेव सॉल्यूशंस ऑफ डिराक इक्वेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।